दोस्तों आईक्यू Z3 के आज के रिव्यू में हम इसके प्रोज एंड कॉन्स पे फोकस करेंगे। हाय, दिस इज केतन फ्रॉम टेक हाईलाइट। दोस्तों अगर आप बजट रेंज में आईक्यू Z3 इसके स्पेक्स देख के बाय करना चाहते हैं देन वेट। उससे पहले आईक्यू Z3 पे मेरे पॉइंट जरूर से नोट कीजिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इस आईक्यू Z3 को बाय करना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईक्यू Z3 में आपको स्नैपड्रैगन 768G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा फास्ट है। इसके चलते आपको इस फोन का परफॉर्मेंस काफी स्मूथ लगने वाला है। इसका Geekbench स्कोर काफी अच्छा है एंड आप इस फोन के साथ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया स्मूथली प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स। इवन COD मोबाइल भी आप इसमें स्मूथली विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स चला सकते हैं। ऑल्सो इस फोन में आपको थर्मल थ्रॉटलिंग का इश्यू देखने को नहीं मिलता। इन शॉर्ट फॉर गेमिंग आईक्यू Z3 इज बेस्ट फोन इन दिस प्राइस रेंज। हालांकि फिर भी आपको पोको X3 प्रो में थोड़ा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है कम्पेयर टू दिस फोन। दोस्तों आईक्यू Z3 में आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है विच इज नॉट सफिशियंट फॉर LCD पैनल लाइक दिस, बट फिर भी ये आपको डिसेंट बैटरी बैकअप देता है अप टू 5 आवर्स। ऑल्सो इस फोन में आपको 55W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। सो आप इस फोन को जस्ट 30 मिनट में अप टू 60% एंड अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। सो बैटरी बैकअप के मामले में आईक्यू Z3 इज डिसेंट फोन। आईक्यू Z3 में आपको डिसेंट कैमरा मिल जाते हैं जो पोको X3 प्रो से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हैं, बट इट्स स्टिल नॉट बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। इसका 64MP का मेन कैमरा आपको अच्छे पिक्चर्स क्लिक करके देता है। ऑल्सो इसमें आपको जस्ट 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है विच कैप्चर्स डिसेंट पिक्चर्स विद गुड डायनेमिक रेंज, बट फिर भी आई थिंक इसमें आपको एटलीस्ट 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलना चाहिए था। सेल्फी के लिए आपको 16MP का कैमरा मिलता है विच टेक डिसेंट सेल्फीज। ये ह्यूमन स्किन को थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है बट स्टिल इट्स गुड। सो आईक्यू Z3 में आपको डिसेंट कैमरा मिल जाते हैं। दोस्तों आईक्यू Z3 में आपको अच्छी क्वालिटी की फुल HD LCD डिस्प्ले मिलते हैं विथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट, जहाँ पे आप इसको 60, 90 एंड 120 हर्ट्ज या फिर स्मार्ट स्विच पे सेट कर सकते हैं फॉर गुड बैटरी बैकअप। ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है। इसमें आपको 400 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। ऑल्सो यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। सो whenever यू वॉच YouTube वीडियोस आपको इसमें HDR वीडियोस का सपोर्ट मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइम वीडियो एंड Netflix में आपको HDR वीडियोस का सपोर्ट नहीं मिलता। मोरओवर इस फोन में आपको Wide 1 L1 का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों आईक्यू Z3 में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है विथ ड्यूअल सिम विच इज अगेन वेरी गुड फॉर बजट रेंज स्मार्टफोन्स। आईक्यू Z3 प्लास्टिक बिल के साथ आ रहा है तो इसका वेट जस्ट 183 ग्राम्स है, जिससे ये काफ़ी हल्का फील होता है जब भी आप इसको अपने हाथ में होल्ड करते हो एंड होल्ड करने में ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। कुछ अदर प्रोस की बात करें तो आईक्यू Z3 में आपको IP52 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फीचर फॉर स्मार्टफोन। ऑल्सो आईक्यू Z3 में आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम ये फ़ोन्स अपने पैसों से बाय करते हैं सो दैट हम आपके लिए इसका ऑनेस्ट रिव्यू लेके आ सके। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना सपोर्ट शो कीजिए। नाउ लेट्स सी कॉन्स ऑफ आईक्यू Z3 फ़ोन। आईक्यू Z3 आपको फ्रंट टच UI के साथ एंड्रॉयड 11 के साथ मिलता है एंड सच बोलूँ तो यही एक रीज़न है जो मुझे इस फ़ोन को बाय करने से रोकता है। आई मीन व्हेन यू स्टार्ट सेटिंग अप दिस फोन आपको इसमें तरह तरह के कंसेंट एग्रीमेंट मिलते हैं जिससे आपका डेटा 100% कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एंड विदाउट एग्री देम आप इस फोन को सेटअप नहीं कर सकते। इवन आफ्टर सेटिंग अप दिस फोन फॉर ईच एंड एवरी ऐप आपको ये एग्रीमेंट शो करेगा एंड जिसमें आपको कंपलसरी एग्री करना पड़ेगा अगर आप उस ऐप को यूज़ करना चाहते हो एंड उस एग्रीमेंट्स में ये फ़ोन आपका डेटा लेने से लेके उसको शेयर करने का कंसेंट ले लेता है विच इज़ बिग सिक्योरिटी ब्रीच फॉर एनी स्मार्टफोन एंड फॉर दिस ओनली रीज़न आई डोंट रिकमेंड दिस फोन टू anyone। मोरओवर इस फोन में आपको लॉक स्क्रीन, गूगल क्रोम का होम पेज एंड और भी कई एडवर्ट्स मिल जाते हैं जो आपको मैन्युअली डिसेबल करने पड़ेंगे एंड अगेन विथ सम कंसेंट।
सो दिस इज़ फर्स्ट कॉन ऑफ दिस स्मार्टफोन। अगर आप अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देन आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। अनदर थिंग विच आई डिडेंट लाइक अबाउट दिस फ़ोन इज इट्स बिल्ड क्वालिटी। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाता है विच इज़ नॉट सॉलिड, आप इसको क्लियरली अपने हाथों में लेके फील कर सकते हैं। विथ प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम 20 के प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी अप टू मार्क बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो इस फोन के फ्रंट में आपको पेंडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है विच इज़ ओके बट नॉट दैट गुड, बिकॉज इस प्राइस रेंज में हम एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। सो ओवरऑल ये फ़ोन आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं देता जो आपको Redmi Note 10 Pro Max में मिल जाता है। IQOO Z3 में आपको आउटडेटेड डिस्प्ले मिल जाती है विथ टीयर ड्रॉप नॉच एंड बिग चिन एट बॉटम। मोरओवर यहाँ पे आपको LCD पैनल मिल जाता है जिसके नॉच के पास आपको क्लियरली स्क्रीन ब्लीडिंग का इश्यू देखने को मिलता है। सो 20 के प्राइस रेंज में LCD डिस्प्ले विथ आउटडेटेड डिजाइन नॉट लुक्स मॉडर्न लाइक Redmi Note 10 Pro Max एंड Realme X7 AMOLED पैनल। दोस्तों IQOO Z3 फोन में आपको 5G के नाम पे जस्ट गिमिक देखने को मिलता है। इस फोन में आपको ओनली 2 5G बैंड मिलते हैं, सो 5G के लिए इस फोन को लेना इज नॉट गुड सेंस। सो दोस्तों ये थे कुछ कॉन्स IQOO Z3 फोन के जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा IQOO Z3 बाय करने में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड स्मार्टफोन के ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ माई फ्रेंड्स।